धनबाद के कथरास छाताबाद में शुक्रवार को हुए बैटरी चोरी के बाद हिंसा मामले में पुलिस ने कुल 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। दोनों पक्षों के सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाघमारा CO KK सिंह ने बताया कि जहाँ घटना हुई थी वहां पर पुलिस छावनी बना दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। धारा 144 लागू किया गया है ताकि वहां पर किसी तरह की हिंसा फिर से ना हो पाए। टोटो की चार्जर चोरी ने ऐसा बवाल का रुख अख्तियार किया कि कल यानी कि शुक्रवार को धनबाद का जो कतरास इलाका है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दो समुदाय के बीच ऐसी घटना घटी जो वहां के लिए एक दागदार हो गई। धनबाद पुलिस पूरे मामले में कई घंटों तक वहां तमाशबीन बनी रही और दोनों पक्षों के तरफ से पत्थरबाजी होती रही, बम भी चला। पूरे मामले में जब धनबाद से फोर्स यहां से भेजा गया तब जाकर मामला कंट्रोल में आया और सभी पक्षों पर पुलिस ने काबू पाया। इस मामले में स्थानीय थाने में FIR दर्ज की गई है और अब से कुछ समय पहले कुल 34 लोगों को गिरफ्तार करके धनबाद लाया गया है और तमाम लोगों की अभी मेडिकल जाँच धनबाद के सदर अस्पताल में चल रही है। मेडिकल जांच के बाद जो लोग स्वस्थ होंगे उन्हें धनबाद जेल भेजा जाएगा, उससे पहले उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना एक सबक है हमारे लिए, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी बातों पर आपसी सामंजस्य को आपसी भाईचारे को भुला देते हैं और ऐसे में एक बड़ी घटना घट जाती है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। धारा 144 लागू कर दी गई है अगले आदेश तक के लिए। पूरा छाताबाद कैलोडी और आकाश किनारी क्षेत्र हमारा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना की और कोई सूचना नहीं है। हम लोग लगातार वहां पर विजिट कर रहे हैं और शांति व्यवस्था कायम चला। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे पुलिस अनुसंधान में जो भी जांच में निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ छिटपुट नुकसान की सूचना है, ऐसे बहुत व्यापक नुकसान की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं। लगातार दोनों पक्षों के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ संपर्क में और शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा चुकी है। कल ही से मजिस्ट्रेट लगातार हमारे डेप्यूट है। पांचों पॉइंट सहयोगी सूरज के साथ, मुन्ना एवं राजकुमार जायसवाल के साथ न्यूज बाइसेस्कोप। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइसेस्कोप, अब जियो TV पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप। फुसरो बेरमो थाना क्षेत्र में फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग पर नया रोड हनुमान मंदिर के समीप शुक्रवार की रात एक तेज रफ्तार हाईवा ने आगे चल रही बाइक को धक्का मार दिया, जिससे बाइक सवार शांति नगर निवासी संदीप नंदन उर्फ पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे बेरमो पुलिस व स्थानीय लोगों ने तत्काल CCL के केंद्रीय अस्पताल डोरी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद BGH रेफर कर दिया। उसके सिर तथा शरीर पर गंभीर चोट लगी है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। लोगों ने फुसरो नया रोड से ट्रांसपोर्टिंग बंद करने और घायल के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद बेरमो थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया।